हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमन और स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल डू इन मिनट्स में। जैसा कि आपको पता होगा, मेरी ब्लैक वाली हीरो स्प्रिंट में आपको 18 स्पीड गियर सेट इंस्टॉल है, तो आज की इस वीडियो में हम उसे अपग्रेड कर 21 स्पीड गियर सेट में कन्वर्ट करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अगर आपके पास साइकिल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक मिलेगा, आप चाहे तो मुझसे अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। ये है मेरी साइकिल हीरो स्प्रिंट, जिसमें आप देख सकते हैं पीछे में हमने 6 स्पीड गियर को लगा रखा है, जिसके कारण से हमारा कॉम्बिनेशन 18 स्पीड का बना हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो फ्री व्हील है वो भी 6 स्पीड का है। तो हम इसे रिमूव करते हैं फटाफट और इसे अपग्रेड करते हैं 7 स्पीड में। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले एक्सल के बोल्ट्स को थोड़ा सा ढीला कर लूँगा, नट और बोल्ट्स को थोड़ा थोड़ा ढीला कर लूँगा। उसके बाद मैं यहाँ पर अपने ब्रेक के कैलिपर को थोड़ा सा ढीला कर बाहर निकाल लूँगा, जिससे व्हील निकालते टाइम आपका जो डिस्क प्लेट है वो बेंड नहीं होगा या फिर टेढ़ा नहीं होगा। तो सबसे अच्छा रहता है कि आप अपने ब्रेक के कैलिपर को बाहर निकाल लें। उसके बाद हम दूसरे साइड के नट को ढीला कर लेंगे और इसे बाहर निकाल लेंगे। तो जब आप इसे एक बार ढीला करेंगे तो आपका व्हील आसानी से निकल आएगा। उससे पहले हम अपने चेन को दो हिस्सों में तोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास चेन टूल भी है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर नॉर्मल तरीके से चेन को खोलना सिखा देता हूँ, क्योंकि बहुत लोगों के पास चेन टूल नहीं होता है। तो चेन को खोलने के लिए आपको यहाँ पर इसके ऊपर थोड़ा सा हैमर से या फिर किसी भी भारी चीज़ से यहाँ पर आपको झटका देकर इसे खोलना होगा, और एक कांटी की मदद से आप इसके अंदर लगा कर कस कर मारने से ये स्लॉट के अंदर चली जाती है और आपका चेन है जो लिंक से बाहर निकल आता है और ये कुछ इस प्रकार से खुल जाता है। तो आप भी इसे हथौड़े की मदद से और एक कांटी की मदद से आसानी तरीके से खोल सकते हैं। एक बार जब आपका चेन बाहर आ जाएगा तो आपका डिरेलियर ऑटोमेटिक आपके व्हील से बाहर निकल आएगा। उसके बाद हम अपने लॉक नट को ओपन कर इसके अंदर फंसे हुए वायर को भी स्लॉट के अंदर से बाहर की तरफ निकाल लेंगे। तो हमारा डिरेलियर अभी थोड़ा सा साफ़ है, क्योंकि मैंने कुछ ही दिन पहले अपनी क्लीनिंग की वीडियो में इसे अच्छी तरीके से साफ कर लिया था। और ये हमारा 7 स्पीड डिरेलियर, और चलिए हम लोग इसे फटाफट से इंस्टॉल करते हैं। तो आप डिरेलियर को सबसे पहले सीधा कर ले, और उसके बाद आपको इसके अंदर सीधी तरीके से चेन को डालना है। चेन डालते समय आप गड़बड़ी ना करें, चेन को आपको देख लेना है और आप श्योर हो जाएं कि आपने जो चेन डाला है बिल्कुल सीधा है। उसी के बाद आप अपने चेन को लॉक कर लें। तो अब हम चेन को जिस प्रकार से खोले थे उसी प्रकार से चेन को हथौड़े की मदद से बंद करेंगे। तो ये रहा हमारा लिंक, हमने तो इसे मोड़ दिया था, तो हम इसे वापस से प्लायर से थोड़ा सा सीधा कर लेंगे और इसे रिवेट के एकदम सामने रख लेंगे। एक बार जब ये रिवेट के सामने हो जाएगा तब हम इसे नीचे से सपोर्ट देते हुए ऊपर से ठोक कर इसे सही कर देंगे। एक बार जब ये पैरेलल हो जाएगी तो आपको कुछ इस प्रकार का एक स्लॉटेड नट रखना है, और नट रखने के बाद आप ऊपर से इसे प्रेशर दे सकते हैं, जिससे आपका रिबेट बाहर की तरफ निकल जाएगा और आपका चेन अच्छी तरीके से लॉक हो जाएगा। और जो मल्टी टूल में जो आपको चेन टूल मिलता है काफ़ी ज़्यादा ख़राब क्वालिटी का मिलता है, तो आप चेन टूल के कारण कोई मल्टी टूल परचेज ना करें। मैंने परचेज़ किया था और उसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। तो चलिए उसके बाद हम लोग अपने व्हील को बाहर निकाल लेते हैं। व्हील को बाहर निकाल लेने के बाद ये रहा हमारा डिरेलियर का गार्ड, हमें उसे बाहर निकाल लेना है। और ये है फ्री व्हील टूल, ये देख सकते हैं जो फ्री व्हील टूल है इसमें अच्छी तरीके से भी फंस नहीं रही है, तो हमें यहाँ पर बोल्ट को बाहर निकालना पड़ेगा। बोल्ट को बाहर निकाल लेने के बाद आप फ्री व्हील टूल को इसके स्लॉट के अंदर फंसा दीजिए और इसे प्रेशर देकर आपको खोलना होगा। तो ये देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा टाइट थी, लेकिन प्रेशर के देने के बाद ये इजी तरीके से खुल गई। एक बार जब ये खुल जाएगी या फिर ढीला हो जाएगी तो आप इसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाकर खोल सकते हैं, जिससे आपका फ्री व्हील बाहर आ जाएगा। उसके बाद आप इसे अच्छे से कपड़े से साफ कर लीजिए। उसके बाद हम इसमें अपनी 7 स्पीड की फ्री व्हील को इंस्टॉल करेंगे। तो मैंने यहाँ पर अपने हब की सर्विस भी कर ली थी, इसके सारे बॉल्स को भी चेंज कर लिया था। तो चलिए हम लोग इसमें फ्री व्हील को लगाकर टाइट कर देते हैं। आपको इसे टाइट करने की ज़रूरत नहीं, जब आप पेडलिंग करेंगे तो ये ऑटोमेटिक से टाइट हो जाएगी। तो चलिए ये रहा हमारा सिलेंड्रिकल वॉशर, और हमने जो नट को खोला था उस नट को हम इसमें लगा देंगे और इसे अच्छी तरीके से
टाइट कर देंगे। इस नट को हम लोग लगाते हैं ताकि फ्रीविल और फ्रेम के बीच में जो हमारा गैप है वो गैप मेंटेन रहे और गैप बना रहे, इसलिए हम लोग यहाँ पर नट का यूज़ करते हैं। तो आप यहाँ पर जो न्यू फ्रीविल लगाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर नट्स को लगा सकते हैं। तो ये रहा, मैंने यहाँ पर दो नट और एक सिलेंड्रिकल वॉशर लगा दिया। उसके बाद आप इसके प्ले को भी चेक कर लीजिए कि आपका एक्सल ज़्यादा वाइब्रेट तो नहीं कर रहा है। उसके बाद हम इसमें चेन को लगा देंगे और जो नेक्स्ट स्टेप में हम अपने डिरेलियर को बोल्ट से टाइट कर देंगे अच्छी तरीके से। तो ये रहा हमारा डिरेलियर, हम इसे अच्छी तरीके से फिट करेंगे। डिरेलियर में छोटा सा बोल्ट भी दिया जाता है तो उस बोल्ट का मैं यूज़ नहीं करूँगा। वो बोल्ट लगाने से जो हमारा व्हील है वो आगे की तरफ ज़्यादा हो जाता है, तो मैं उस बोल्ट को नहीं लगाता हूँ। मैं डायरेक्ट ही डिरेलियर को इसमें लगाता हूँ और बोल्ट से इसे टाइट कर देता हूँ, जिससे ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा वर्क करता है और व्हील भी हमारा जो अलाइनमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा सही होता है। तो अब हम इसे 14 और 15 नंबर की रिंच से अच्छी तरीके से टाइट कर देंगे। तो ये रहा हमारा डिस्क ब्रेक का हैंगर जो नीचे की तरफ है और ये क्लैंप भी बाहर की तरफ निकल गया था, तो हम इसे भी अंदर स्लॉट में लगा कर अच्छी तरीके से नट से इसे टाइट कर देंगे। उसके बाद अपनी व्हील को आप अलाइन कर लीजिए, इसकी अलाइनमेंट को आप सही कर लीजिए, सेंटर में कर लीजिए। उसके बाद आपको 14 और 15 नंबर की रिंच से इसके दोनों साइड के नट को अच्छी तरीके से टाइट कर देना है और डिरेलियर के गार्ड को भी आपको इसे सेंटर में कर लेना है अपने डिरेलियर के अकॉर्डिंग, और उसके बाद आप इसे अच्छी तरीके से टाइट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं हमने आगे में इसे चेन को चढ़ा लिया था। चलिए अब हम लोग फटाफट से अपने साइकिल को सीधा कर लेते हैं और इसमें शिफ्टर को लगाने का प्रोसेस चालू कर देते हैं। तो ये जो हमारा हैंडल ग्रिप है काफ़ी ज़्यादा जाम हो गया, तो इसे खोलने के लिए आपको हैमर चाहिए होगा और किसी भी चीज़ से आप इसे नीचे से सपोर्ट दे सकते हैं, और इसमें झटका मारने से ये थोड़ा सा लूज़ हो जाता है क्योंकि ये रबर का बना होता है या फिर प्लास्टिक का बना होता है। एक बार जब ये स्लॉट में से बाहर निकल आता है तो ये रहा हमारा न्यू शिफ्टर। इसके नीचे आपको एक छोटा सा बोल्ट दिखेगा और ये रहा हमारा मल्टी टूल जिसके अंदर एक छोटा सा एलन की है। तो हम इस एलन की सहायता से इसमें लगे हुए बोल्ट को थोड़ा सा लूज़ करेंगे और अपने शिफ्टर को स्लाइड कर बाहर की तरफ निकाल लेंगे। और ये रहा हमारा शिफ्टर जिसके अंदर गियर की जो वायर है वो भी लगी हुई है, तो हम इसे खींच खींच कर वायर को बाहर निकाल लेंगे। उसके बाद हम किसी साफ़ कपड़े से अपने हैंडल को साफ़ कर लेंगे अच्छी तरीके से। एक बार जब ये साफ़ हो जाएगा तो आप अपनी नई वाली शिफ्टर को इसके अंदर लगाएंगे। और ये रहा थोड़ा सा ग्रीस, ग्रीस का आपको अच्छी तरीके से ग्रीस का यूज़ करना है। जितना ज़्यादा आप इसे अच्छी तरीके से ल्यूब करेंगे गियर का वायर उतना स्मूथ ही आपके केबल हाउसिंग के अंदर मूव करेगा और गियर की परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो मैंने यहाँ पर ढेर सारा ग्रीस को लगा दिया है। उसके बाद हम इसके अंदर वायर को फटाफट से लगा देते हैं। तो वायर लगाने के लिए बस आपको अपने हाउसिंग के अंदर दबाना है और स्लॉट के अंदर घुसाते चले जाना है, जिससे ये अच्छी तरीके से चली जाएगी और लास्ट में आप इसे शिफ्टर के अंदर लगा दें। तो ये रहा हमारा केबल जो बाहर की तरफ निकल आया है। तो हम अब दूसरे वाले हाउसिंग के अंदर इसे लगाते हैं। तो आपको भी इसे सेम अच्छी तरीके से ग्रीस लगाना है और अंदर की तरफ लगाकर आप इसे अच्छी तरीके से डाल लीजिए। दूसरे साइड में भी आपको ये प्रोसेस सेम ही करना है और लास्ट प्रोसेस में मैं आपको थोड़ा बहुत गियर की अलाइनमेंट भी करना बता दूंगा। इसके ऊपर भी मैंने डिटेल में वीडियो बना रखा है कि आप गियर की अलाइनमेंट को कैसे सही करें। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर जो हैंडल ग्रिप है वो न्यू वाली हैंडल ग्रिप को इसमें लगा दिया है और ठोक ठोक कर इसे सही कर दिया है। उसके बाद आप अपने शिफ्टर को अलाइन कर लीजिए अपने हैंडल के अकॉर्डिंग कि आपको इसे किस प्रकार से सेट करना है और आप इसे बोल्ट से टाइट कर दें। और आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी ये 1 नंबर पर है तो हम इसे 7 नंबर पर कर देंगे और नीचे में डिरेलियर को भी 7 पे करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये अभी 7 नंबर पे नहीं है, तो इसे 7 नंबर पे करने के लिए यहाँ पे दो स्क्रू दिए जाते हैं, एक अपर लिमिट स्क्रू एक लोअर लिमिट स्क्रू। तो जहाँ पर एच लिखा हुआ है हाई को हम थोड़ा सा लूज़ करेंगे जिससे हमारा गियर अपने आप ही सबसे टॉप गियर पर वापस आ जाएगा। तो ये रहा हमारा जो गियर है सबसे टॉप पर आ चुका है। उसके बाद हम अपने केबल को बैरल एडजस्टर के अंदर अच्छी तरीके से डाल देंगे और लॉक नट में लॉक करेंगे। लॉक करने से पहले आप अपने प्लायर की मदद से वायर को अच्छी तरीके से खींच ले, काफ़ी ज़्यादा टाइट आपको खींचना है कि आपका वायर कहीं भी लूज ना रहे। उसके बाद आपको चाहिए होगा एक रिंच, रिंच से हम अपने नीचे के बोल्ट्स को खोलेंगे
और वायर लगाकर इसे अच्छी तरीके से टाइट कर देंगे। टाइट कर देने के बाद हम एक्सेस वायर को रोल कर देंगे। आप चाहे तो अपनी वायर को कट भी कर सकते हैं या फिर रोल भी कर सकते हैं। उसके बाद आप गियर को अच्छी तरीके से अलाइन कर लीजिए। तो मैं यहाँ पर आपको गियर के अलाइनमेंट उतना करना नहीं बताऊँगा क्योंकि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो गियर के अलाइनमेंट के ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखा है, आप चाहे तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। तो आपको मैं यहाँ पर कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स बता देता हूँ कि आपको लिमिट स्क्रू और बैरल एडजस्टर की मदद से अपने गियर को एडजस्ट करना है। तो चलिए हम फटाफट से अब व्हील को घुमाकर देखते हैं कि हमारा गियर कैसा काम कर रहा है और इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा है। शिफ्टिंग में तो ये अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है, तो चलिए हम इसे अब हाई गियर की तरफ शिफ्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा गियर है सबसे ज़्यादा यानी कि 7 स्पीड पर मूव नहीं कर रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पर शिफ्टर में 7 स्पीड शो हो रहा है, लेकिन जो हमारा फ्रीविल है उसमें चेन 7 स्पीड पर नहीं जा रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अपर लिमिट स्क्रू को थोड़ा सा और ज़्यादा लूज़ करेंगे जिससे यह ऑटोमेटिक बाहर की तरफ आ जाएगी। उसके बाद हम इसे दोबारा मूव कर आपको दिखा देते हैं कि इसमें कोई प्रॉब्लम है या नहीं। तो आपको भी अपने गियर को थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ेगा। वायरल एडजस्टर से कर सकते हैं या फिर लिमिट स्क्रू से भी आप अपने गियर को अच्छी तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा गियर है काफ़ी अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में हमने जो अपनी ब्रेक को खोला था उसे हम वापस से लगा देंगे और अच्छी तरीके से टाइट कर देंगे। तो डिस्क ब्रेक के अलाइनमेंट और एडजस्टमेंट के ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखा है। अगर आपको डिस्क ब्रेक के अलाइनमेंट और एडजस्टमेंट करना नहीं आता है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो यहाँ पर मैंने अपने डिस्क ब्रेक को अलाइन कर लिया है अच्छी तरीके से और बैरल एडजस्टर से भी आप इसे थोड़ा बहुत टाइट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको ब्रेक की टेस्टिंग कर दिखा देता हूँ कि ब्रेक हमारा कैसा वर्क कर रहा है। अब आप देख सकते हैं ऑल ओवर हमारे साइकिल का लुक कैसा है, आप कमेंट कर ज़रूर हमें बताएं। और वीडियो ज़रूर अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास साइकिल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या फिर इस वीडियो से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक मिलेगा, आप चाहे तो अपनी प्रॉब्लम को मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।